ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। পাটনায় এই মুহূর্তে সুশান্তের বাড়িতে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নিধিশ্রী, এবং নিধির সঙ্গে কথা বলবো। নিধি, আচানক ইয়ে মত কি খবর সুশান্ত কি, পরিবার কা ক্যা কহনা হ্যায়? जी बिल्कुल, देखिए मैं उनके घर पैतृक घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर उनके पिता हैं, और पिता अभी चूंकि बातचीत करने के कंडीशन में नहीं है, जाहिर सी बात है बेटे ने सुसाइड किया, और वो भी बिल्कुल अचानक से, जब हंसता खेलता परिवार था। उनकी चार बहनें हैं, एक बहन अब से कुछ ही देर में आने वाली है, लेकिन क्या वजह रही जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और परिवार इस ऐसी घड़ी में बात करने के कंडीशन में नहीं है, लेकिन अभी तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जो हमारी करीबियों से पड़ोसियों से बात हुई है, उनके मुताबिक सुशांत सिंह कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों से परेशान थे, डिप्रेशन का की दवाइयाँ ले रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था, और इस बाबत उन्होंने घर पर बताया भी था कि परेशानी की क्या वजह थी। और उनके पिता खुद उनसे मिलने जाने वाले थे मुंबई, लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो गया और वो मिलने नहीं जा पाए। उनका बचपन इसी घर पर गुजरा है और यहीं पटना से उन्होंने पढ़ाई भी की है, लिहाजा पूरा का पूरा जो कॉलोनी है, कॉलोनी की बात करें या मैं कहूंगी पूरा देश ही इस वक्त सदमे में है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जिन्होंने सुशांत को बचपन से देखा है खेलते हुए बातचीत करते हुए, जहां पर उन्होंने बचपन गुजारा है, वो पूरा सदमे में है। यहां पर कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या ठोस वजह रही जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जांच भी तो हालांकि मुंबई पुलिस कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर जो उनके मामा है उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। बहरहाल अभी किसी भी ऐसे कंडीशन में इस सॉल्यूशन पर निकल पाना मुश्किल है कि ये एक वजह थी, लेकिन परिवार अभी पूरी तरीके से सदमे में है और अंदर पिता का रो रो कर बुरा हाल है, वो बार बार बेहोश हो रहे हैं, उन्हें समझाने की भी कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश है कि उनके पिता से मैं बात करूँ या आस पड़ोस के लोग या पड़ोसियों से बात करके ये जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ अब जो अपडेट मिल पाया है, जो अपडेट्स मिलेगा हम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पापिया। निधि, लास्ट कब बातचीत हुआ था परिवार से? जी देखिए, उनकी जो मेरी पड़ोसी से बात हुई है और जो उनके छोटे भाई हैं, जो कजन हैं, उनसे बात हुई है। पिता से कल ही बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, एक दिन पहले पिता से बात हुई थी और पिता से हालचाल लिया था, ये भी जाना था कि यहाँ पर जो माँ जो बेटे और पिता के बीच जो एक हल्का फुल्का कॉन्वर्सेशन होता है वो उन्होंने जरूर किया था। कल चूंकि शनिवार था, आज रविवार, तो आज उनके पिता बात करने वाले भी थे, लेकिन जिस वक्त खबर मिली है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि पिता को भी टीवी न्यूज चैनल से ही उनको खबर मिली है। जब उनके पिता खाना खा रहे थे तभी उन्हें अचानक से एक खबर मिली कि बेटे ने सुसाइड कर लिया है। फिर उन्होंने दो चार लोगों से संपर्क किया, वहां मुंबई में बात की, तो फिर पता चला कि बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। तो एक दिन पहले पिता से बात होती है तब भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, और अचानक से जब आज इतना बड़ा फैसला लिया है, इतना बड़ा कदम उठाया सुशांत सिंह राजपूत ने, तो पिता सदमे में तो है ही। शुक्रिया तुमको निधि।